बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की जो फाइनल एग्ज़ाम 2023 की डेट शीट है। बेटा आपके जब पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो जून के मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं। 5 जून से बेटा आपका फ़र्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है। ये जो है 5 जून को बेटा जो एफ़ए वालों का पेपर होगा पार्ट 1 का। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यानी एफएससी वगैरह का या आईसीएस के बच्चे हैं उनका पेपर जो है वो 6 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा पेपर है वो 5 जून को होना है 2023 में मंडे वाले दिन बेटा। और इसमें फ़र्स्ट पेपर आपका होगा इकोनॉमिक्स का और जो सेकेंड टाइम पेपर होगा वो होगा सोशियोलॉजी का। यानी 5 जून को जो आपका फर्स्ट टाइम पेपर होना है वो इकोनॉमिक्स का होना है और सेकेंड टाइम पेपर जो होना है वो सोशियोलॉजी का होना है इमरानियात का। उसके बाद 6 जून 2023 को जो बेटा ट्यूसडे वाले दिन आपका फर्स्ट टाइम पेपर होना है वो इंग्लिश कंपलसरी है। जो एफ ए वालों का ICS ICOM उसके अलावा FSC वालों का सबका इंग्लिश का पेपर होना है। फर्स्ट टाइम भी और सेकेंड टाइम भी इंग्लिश का पेपर ही होना है। उसके बाद 7 जून को बेटा जो वेडनेसडे वाले दिन आपका पेपर होना है वो होना है इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव का यानी इस्लामियात इख्तियारी का। ये आर्ट्स वालों का है, एफ ए वालों का जो है बेटा पेपर होना है और सेकेंड टाइम में जो है वो भी इस्लामियात इख्तियारी का ही पेपर होना है। और उसके अलावा जो है वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होगा सेकेंड टाइम 7 जून को। उसके बाद 8 जून को बेटा आपके पास जो थर्सडे वाले दिन पेपर आपका होना है वो होना है कंप्यूटर साइंस का ICS वालों का और उसके अलावा होम मैनेजमेंट का पेपर होना है एफ ए वालों का। और सेकंड टाइम जो है वो 8 जून को जो पेपर होना है वो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का होना है। और उसके बाद 9 जून बेटा 2023 फ्राइडे वाले दिन जो आपका पेपर होगा फर्स्ट टाइम वो होगा केमिस्ट्री का और फाइन आर्ट्स का। केमिस्ट्री का होगा FSC वालों का और फाइन आर्ट्स का होगा जो है वो FA वालों का, आर्ट्स वाले बच्चों का। और इसी दिन जो है बेटा 9 जून को सेकंड टाइम जो पेपर होना है वो केमिस्ट्री का होना है और साथ जो है वो स्टैटिस्टिक का होना है। यानी 9 जून को जो फर्स्ट टाइम पेपर होना है वो केमिस्ट्री और फाइन आर्ट्स का होना है, सेकेंड टाइम केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक का होना है। नेक्स्ट बेटा 10 जून को सैटरडे वाले दिन जो हमारा पेपर होना है वो फर्स्ट टाइम में एफए वालों का होना है। एफएससी वालों को छुट्टी होनी है, साइंस के स्टूडेंट्स को सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट का पेपर होना है स्विक्स का। और सेकंड टाइम जो है वो 10 जून को आपका जो है फ़िलासफ़ी का पेपर होना है। उसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स बी मैथ जो है कॉमर्स का सब्जेक्ट है उनका पेपर होना है। उसके बाद जो है बेटा 11 जून को संडे वाले दिन आपको छुट्टी होगी। फिर 12 जून को बेटा जो है मंडे वाले दिन जो आपका फर्स्ट टाइम पेपर होगा वो फिज़िक्स का और एजुकेशन का होगा। फिज़िक्स का FSC वालों का और एजुकेशन जो है वो FA वालों का है। और सेकंड टाइम फिज़िक्स का, एजुकेशन का और इसके साथ जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर भी होगा जो है बेटा आपके पास 12 जून को सेकंड टाइम पेपर होना है। उसमें फिज़िक्स, एजुकेशन और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो ICOM का सब्जेक्ट है उनका पेपर होगा। उसके बाद 13 जून को बेटा 2023 थर्सडे ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपका पेपर होगा फर्स्ट टाइम में सिर्फ FA वालों का पंजाबी का और सेकंड टाइम में पंजाबी का भी होगा, साथ पर्शियन का भी होगा यानी फारसी का। और उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का भी पेपर होगा बेटा ICOM वालों का। 14 जून को जो आपका वेडनेसडे वाले दिन पेपर होना है बेटा उसमें फ़र्स्ट टाइम पेपर होना है साइकोलॉजी का और सेकंड टाइम पेपर होना है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक्स। यानी 13 और 14 जून को जो है वो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टी है। उसके बाद 15 जून को जो है थर्सडे वाले दिन जो फर्स्ट टाइम पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का होगा और बायोलॉजी का होगा। यानी फ़र्स्ट टाइम मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का FSC वालों का पेपर होगा और सेकंड टाइम भी सेम मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का ही पेपर होगा। इस दिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को, FA के स्टूडेंट्स को छुट्टी होगी। उसके बाद 16 जून को बेटा फ्राइडे वाले दिन जो आपका पेपर होना है उसमें फ़र्स्ट टाइम पेपर होगा हिस्ट्री का और सेकंड टाइम जो पेपर होगा वो बेटा जियोग्राफी का होगा। यानी इस दिन जो है वो साइंस के स्टूडेंट जो FSC वाले हैं उनका कोई पेपर नहीं होगा, ये सिर्फ आर्ट्स का FA के बच्चों के दो पेपर होंगे, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री का और सेकंड टाइम जियोग्राफी का। उसके बाद बेटा 17 जून को जो आपका सैटरडे वाले दिन पेपर होना है वो फर्स्ट टाइम होना है इस्लामिक स्टडी कंपलसरी यानी इस्लामियात लाजमी का और सेकंड टाइम भी सेम पेपर होना है जो है वो बेटा सारे स्टूडेंट्स का, चाहे वो FA के हैं, FSC के हैं या ICOM के हैं या ICS के हैं।
जो उनका सबका पेपर जो है बेटा 17 जून को 17 जून को जो है वो इस्लामिक स्टडी कंपलसरी यानी कि इस्लामियात का पेपर होगा लाजमी का। उसके बाद 19 जून को बेटा जो आपका पेपर होना है मंडे वाले दिन भी इसकी छुट्टी होनी है, इतवार होना है। और 19 जून को आगे जो है आपका फ़र्स्ट टाइम पेपर होगा बेटा उर्दू कंपलसरी का जो है, यानी जो उर्दू लाजमी है सारे स्टूडेंट्स की, वो चाहे FSC के हैं, ICS के हैं या ICOM के, हम सब का जो है उर्दू का पेपर होगा। और सेकेंड टाइम भी बेटा सेम उर्दू का पेपर ही होगा सबका। उसके बाद आपका जो लास्ट पेपर है बेटा फर्स्ट ईयर का, वो होना है 20 जून को 2023 को ट्यूसडे वाले दिन। उसमें बेटा आपका पेपर होगा तर्जमतुल कुरान का, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है यानी लाजमी है, इसका पेपर भी होना है। ये चाहे बेटा आपके जो है वो FSC के स्टूडेंट हैं या FA वगैरह के ICOM के स्टूडेंट हैं, सबका पेपर जो है तर्जमतुल कुरान का होगा 20 जून को, जो है ये आपका लास्ट पेपर है फर्स्ट ईयर का। और उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम का जो पेपर स्टार्ट होना है बेटा उसका टाइम दिया होगा वो 8:30 पे स्टार्ट होना है सुबह। सेकंड टाइम का जो पेपर होता है वो बेटा 1:30 पे स्टार्ट होता है। उसके अलावा जुम्मे वाले दिन जो पेपर सेकंड टाइम का स्टार्ट होता है वो 2:30 पे स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो है वो आपके नहीं होने, क्योंकि वो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो बेटा सेकेंड ईयर में जो है आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। तो ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की जो है वो डेट शीट थी, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है, फाइनल डेट शीट है। अगर इसमें बेटा कोई चेंजिंग आएगी तो वो मैं आपके साथ इसी चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।